Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, बॉलीवुड की ऐसी कई अभिनेत्रियां हैं जो लंबे वक्त से सुर्खियों में बनी रहती हैं। ये अभिनेत्रियां पर्दे पर भी अपनी अलग अलग एक्टिंग और किरदारों के दर्शकों के दिलों को जीत चुकी है। इनमें से कुछ अभिनेत्रियां 90 के दशक की भी रही। 90 के दशक की कई अभिनेत्रियां एक्टिंग की दुनिया में अब तक खुद को बनाए हुई है, लेकिन इस दशक की ऐसी भी अभिनेत्रियां हैं जो अब पर्दे से दूर है। आज हम आपको बॉलीवुड की ही ऐसी अभिनेत्रियों से रूबरू करवाते हैं जो फिल्मों से दूर अपनी निजी जिंदगी में काफी व्यस्त है। पहला नाम आता है अनु अग्रवाल का। उन्होंने साल 1990 में आई फिल्म आशिकी से काफी ज्यादा नाम कमाया था, लेकिन अनु अग्रवाल का एक कार एक्सीडेंट हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दिया। अनु अग्रवाल अब पूरी तरह से एक्टिंग की दुनिया से दूर हैं। आखिर बार उन्हें फिल्म रिटर्न ऑफ जेली थीफ में देखा गया था। दूसरा नाम आता है शबाना रजा का। यह बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी की पत्नी है। शबाना रजा ने साल 1998 में अभिनेता बॉबी देओल की फिल्म करीब से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में देखा गया, लेकिन अब शबाना रजा लंबे वक्त से एक्टिंग की दुनिया से दूर हैं और उन्हें आखिरी बार साल 2009 में आई फिल्म एसिड फैक्ट्री में देखा गया था। अगला नाम आता है नम्रता शिरोडकर का। नम्रता शिरोडकर मर्डर और साल 1993 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब भी जीत चुकी है। उन्होंने फिल्म जब प्यार किसी से होता है 1998 से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म में उनके साथ सलमान खान और ट्विंकल खन्ना भी थे। इस फिल्म में उन्हें काफी पसंद किया गया था और नम्रता शिरोडकर साल 2004 में एक्टिंग की दुनिया से दूर है। अगला नाम आता है ममता कुलकर्णी का। यह 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस रही है, लेकिन ममता कुलकर्णी ने गलत फैसला लिया जिससे उन्हें एक्टिंग की दुनिया से दूर कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने करियर के बीच में ही छोड़ कर ड्रग माफिया बिक्की गोस्वामी से शादी कर ली और देश छोड़ दिया। बिक्की के जो है कारण यह जांच के दायरे में आ गई थी। ममता कुलकर्णी आखिरी बार हिंदी फिल्म कभी तुम कभी मैं देखा गया था जो साल 2002 में आई थी। अगला नाम है नगमा का। नगमा भी एक्टिंग की पूरी तरह से अलविदा कह चुकी हैं और उन्होंने 90 के दशक में कई शानदार फिल्मों और बड़े कलाकारों के साथ काम किया था, लेकिन अब नगमा अब एक्टिंग से दूर राजनीति में काफी सक्रिय हैं। नगमा आखिरी बार भोजपुरी फिल्म ठेला नंबर 501 में नजर आई थी। तो ये पांच हीरोइने हैं जो कि उस समय काफी ज्यादा पीक पर थी, लेकिन अब जो है वो इंडस्ट्री से गायब है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.